अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मैसेज कर रहे हैं कि इसकी लिस्ट कब लगेंगी, आप लोगों ने हमारा एडमिशन कर दिया या नहीं कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एडमिशन्स करना या ना करना डिपार्टमेंट इसमें कोई नहीं है। ये यूनिवर्सिटी और आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे फर्स्ट जो एम फिल और पी आई डी का जो एडमिशन टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मेरिट में कहीं भी कैलकुलेट नहीं होता। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है तो आप एम फिल में एडमिशन के एलिजिबल हैं। अगर आपने एम फिल का टेस्ट जो एडमिशन टेस्ट है, पी आई डी का एडमिशन टेस्ट पास नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप उसमें से उस दौड़ से बैक हो जाते हैं। अगर आपका टेस्ट पास है तो उसके बाद उसमें जो फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद हम जो लिस्टें हैं वो सारी साइन करके उधर एडमिशन सेल्स में भिजवा देते हैं। एडमिशन सेल फिर वन बाय वन हर चीज़ को मैच करता है, सारे डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट इकट्ठे करते हैं। हर यानी कि अगर सोशल साइंसेज है, लाइफ साइंसेज हैं, फार्मेसी का डायरेक्टोरेट है और दूसरा मेडिकल का डायरेक्टोरेट है, सारे जो चीज़ें हैं वो एडमिशन सेल्स में कम्बाइन इकट्ठी हो जाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जो मेरिट कैलकुलेशन होती है, उसमें जो आपने ऑनलाइन चीज़ें फिल की हैं, आपके एम फिल में कितने मार्क्स हैं, आपके बी एस में कितने मार्क्स हैं, आपके मैट्रिक इंटरव्यू कितने मार्क्स हैं, वो चीज़ें उसके बेस पे और इंटरव्यू मार्क्स के बेस पे आपका फार्मूला कैलकुलेट होता है। अब ये चीज़ें डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के साथ लिंक हैं। जैसे ही ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिस्टें लग जाएंगी, तो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को देखते रहें। जैसे उसको यूजली वन वीक तक वो मेरिट लिस्ट लग जाती है, मे बी इस वन वीक से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आप लोग इन टच रहें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ कि मेरिट लिस्ट कब लग जाती हैं। और जब मेरिट लिस्ट लग जाएं तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं उसके बारे जब एडमिशन लिस्ट लगेगी तो उसके बारे में गाइड कर दूंगा आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और किस तरह से तैयार करने हैं, और जिन जिन लोगों का एडमिशन हो जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डिग्रीज आपकी जो हैं और CNIC और बे फॉर्म या फिर वो दूसरे है डोमिसाइल, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आपसे आप लेके आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप जॉब कहीं कर रहे हैं स्पेशली PhD में, तो NOC के बगैर आपने एडमिशन आपका नहीं हो सकता। अगर आप कहीं लेक्चरर हैं किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो आप NOC लेके आएंगे, NOC लेके आएंगे तो एडमिशन, तो या फिर एफिडेविट आप लिख कर देंगे कि आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे, तो तभी ये पॉसिबल है। वो एडमिशन वो जो आपका एफिडेविट अगर आपने दिया है तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है कि आपने हल्फियन बयान किया कि मैं कहीं भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं कर रहा। तो विदाउट अगर आप इन द मेन वाइल अगर आपने NOC अप्लाई करना है तो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आपके पास टू डेज होते हैं। टू डेज के अंदर आप अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लेके आते तो आपके एडमिशन का टाइम एक्सपायर होता है और नेक्स्ट आपके जो मेरिट में लोग होते हैं उनको शिफ्ट हो जाता है आपका आपकी जो सीट है। इसलिए ट्राई करें जिन लोगों ने PhD वाले स्पेशली, अगर उनका NOC नहीं है तो NOC अप्लाई करें, NOC ले लें तब तक वन वीक तक, जैसे मेरिट लिस्ट लगे तो आपको मेरिट लिस्ट NOC और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स लेके आपको आना पड़ेगा एडमिशन। अब मैं दोबारा क्लियर कर दूं, अब डिपार्टमेंट्स को नहीं पता कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी। अब जो भी चीज़ें थी वो सारी एडमिशन यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज एडमिशन सेल में कैलकुलेट हो रही हैं, वो कैलकुलेट होंगी जैसे ही, तो वो उसका मेरिट लिस्ट लग जाएगा। तो इसलिए बार बार इसके बारे में मैसेज नहीं करें आप लोग, तो जैसे ही वो वेबसाइट पे आएंगे तो हम लोग उसके लिए रेडी एडमिशन करने के लिए हम उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।